हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आने वाले एक नए प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, हमारा भारत इस वक्त पूरी दुनिया में एक ऐसा देश बनता जा रहा है जो कि डेवलपिंग नेशन होते हुए भी बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन को टक्कर देने की काबिलियत रखता है, और इसी को देखते हुए पूरी दुनिया के कई ताकतवर देश भारत से अपना संबंध धीरे धीरे मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारत ने जो आत्मनिर्भर होने का प्रण लिया है उससे पूरी दुनिया और भी ज्यादा भारत की तरफ आने के लिए मजबूर हो गई है, क्योंकि भारत की जो एक कमी रह गई थी, जो कि भारत का दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी थी किसी भी सेक्टर को लेकर, वो अब इस आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और भारत नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक नया लीडर बनकर उभरेगा। हाल ही में भारत ने ये फैसला लिया है कि भारत सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को पूरी तरीके से इंडिजिनियसली डेवलप करेगा, और ये डेवलपमेंट भारत के आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के अंतर्गत किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में भारत को बाहर के देशों से SDR की टेक्नोलॉजी ना खरीदनी पड़े और अपना डिफेंस सेक्टर भारत पूरी तरीके से इंडिजिनियसली डिजाइन करने के काबिल हो जाए। आप में से जिनको नहीं पता कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो क्या होता है, आपको बता दे कि ये एक तरीके का कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जो कि भारत की इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवल फोर्स को बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा, जिसमें बेहद ही आसानी से वॉइस डेटा और वीडियो डेटा ट्रांसफर किया जा सकेगा, और इस ट्रांसफर का रेट भी काफी फास्ट होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का इस्तेमाल करके ग्राउंड पर जो सेना होगी उसके जवान अपने सीनियर ऑफिशियल से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे और बढ़िया तरीके की C4I कैपेबिलिटी अचीव हो पाएगी। साथ ही साथ C4I एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन रेडियो के आने से इस बात के काफी हाई चांसेस है कि फ्यूचर में हम बैटलफील्ड पर अपने जवानों की जगह ड्रोन फाइट देखें, जिसमें कि भारत का काफी ज्यादा फायदा होगा और भारत को युद्ध के दौरान ह्यूमन लॉस का कम सामना करना पड़ेगा। आप में से कई लोग C4I शब्द पहली बार सुन रहे होंगे, तो आपको बता दें कि ये एक असल में शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आई ऑफिशियल स्टेटमेंट के द्वारा ये पता चला है कि SDR को इंडिजिनियसली डेवलप करने के लिए भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर एक साथ मिलकर काम करेंगे। बता दें कि इंडियन आर्मी ने पहले से ही लेगेसी रेडियो को इंडिजिनियसली डिजाइन V/UHF मैन पैक SDR से रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। Thank you.